नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बारिश में पानी पानी होते दावे, बरसात में सुस्त होते सिस्टम की तस्वीरें, सड़कें तालाब बन गई हैं, घर में समंदर जैसा मंजर है, सड़क पर गाड़ियां दौड़ नहीं रही बल्कि रेंग रही हैं, लोग परेशान हैं लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये सारे हालात महज एक दो घंटे की बारिश में हुए हैं। आज ग्राउंड जीरो में करेंगे पड़ताल इसी मुद्दे की, आखिर क्यों ड्रेनेज सिस्टम फेल है। ग्वालियर में कुछ ही घंटे की बारिश ने सड़क पर ब्रेक लगा दिया, राजधानी भोपाल भी पानी पानी हो गई, जगदलपुर में भी हाल बदतर हो चले हैं। तो देखिए कैसे हालात बने हैं, हम ग्राउंड जीरो से स्थितियां भी देखेंगे, जानेंगे, लोगों से बातचीत भी हमारे संवाददाता करेंगे। हमारे साथ सुशील कौशिक ग्वालियर से और साथ ही जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू भी जुड़ गए हैं। इसके पहले कि इनके पास पहुंचे, हम बात करेंगे जगदलपुर की, जहां जगदलपुर में घर बने स्विमिंग पूल, यहां ग्वालियर की भी स्थिति आपको बताएंगे, जहां ग्वालियर को सियासत का पावर सेंटर कहा जाता है, लेकिन इसी पावर सेंटर में थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। घंटे भर की बारिश में सड़कें तालाब बन गई, जल भराव के हालात बन गए, राजमाता चौराहे की सड़कें पानी में लबालब हैं, न्यू हाई कोर्ट रोड, एजी ऑफिस रोड, यूनिवर्सिटी रोड पानी में डूबे हुए हैं, चौराहे के पास बस स्टॉप के आसपास भी पानी भरा हुआ है। फायर ब्रिगेड अमला भी बारिश के सामने बेबस नजर आया, फायर ब्रिगेड के दफ्तर के परिसर में पानी भरा हुआ नजर आया। आखिर क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं, क्यों सिस्टम सुस्त है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा दुरुस्त, हर बार प्लान बनाए जाते हैं, सवाल है कि ये प्लान क्यों फेल हो जाते हैं, ये प्लान अपने अस्तित्व में क्यों नहीं आ पाते हैं। तो ग्वालियर के तमाम उन जगहों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा पानी भरा हुआ है, चाहे निचले इलाके हो, चाहे वीआईपी इलाका हो, पूरा इलाका जलमग्न है। भैया पूरे में पानी भर चुका है और हम लोगों के बैग में जगह थी, अब बाहर नहीं बैठ सकते, हम लोग बस के इंतजार में खड़े हैं। कहाँ बैठते थे आप, ये आप देखिए तालाब में चल रहा है, पूरे दिन गए कई बस्तियां या बसाहट ऐसी जगह पे बसी हैं जो लो लाइंग एरिया है और वहाँ शुरू से ही पानी भरने की दिक्कत है। उनका पूरा प्लान बनाया जा रहा है और प्लान बना के ही जब नाली बन जाएंगे तो प्रॉपर मिलेगा, तब वहाँ से पानी निकालने की समस्या दूर हो पाएगी। ग्वालियर शहर में एक घंटे की बारिश ने ही नगर निगम के इंतजामों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम का कहना है कि उन्होंने सीवर और बड़े नालों की सफाई करवाई है, लेकिन ना तो ग्वालियर शहर में सीवर साफ हुई है ना बड़े नालों की सफाई हुई है। इसके साथ ही ग्वालियर शहर में अधिकांश इलाकों में सीवर नहीं है, नालियां नहीं है और यही वजह की एक घंटे की बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्वालियर शहर की सड़कें हैं वो सड़कें तालाब बन चुकी है। इस वक्त राजमाता चौराहे पर आप देखिए किस कदर पानी भरा हुआ है। ये मुख्य सड़कें हैं, मेन रोड है जहां से हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट सहित तमाम जाने वाले रास्ते हैं। आप देखिए लगातार जो पानी है वो एक घंटे की बारिश में इतना भर जाता है, ऐसे में आने वाले लोग लगातार परेशान होते हैं। भले ही नगर निगम इस बात का दावा करे कि ग्वालियर शहर में जल भराव के हालात नहीं है, इंतजाम माकूल है, लेकिन ग्वालियर में एक घंटे की बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। सड़कों पर इतना पानी भरा है तो आप समझ सकते हैं कि जो निचली बस्तियां हैं उन बस्तियों में नालियों का और गंदा पानी किस कदर भरता है। देर करेंगे संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे सुशील के पास चलते हैं। अब सुशील कैसे हालात हैं, हर बार बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं, निगम प्रशासन बहुत दावे करता है कि इस बार तो हमने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर दिया, लेकिन हर साल वही सवाल बार बार। बिल्कुल सही बात है, हर साल वही सवाल बार बार। हम आपको दिखाना चाहेंगे नजारा ग्वालियर का, ये देखिए आप फूलबाग मैदान है, बारिश हालांकि सुबह से नहीं हुई है लेकिन ये जल भराव के हालात आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, अभी तक पानी भरा हुआ है। वजह यही है कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, नगर निगम को कोई चिंता नहीं है, लोग परेशान है, लोग भी इनसे जानेंगे। भाई साहब आप ये बताइए कि क्या स्थिति, आप देखिए ये जल भराव,
सुबह से हालांकि बारिश बंद है लेकिन पानी भरा हुआ है, क्या स्थिति है? देखिए ये जो ये पूरी तरह से नगर निगम की एक नाकामी है कह सकते हैं, चूंकि आपको बता देंगे नगर निगम ने इससे पहले हर बार दावे करती है, जब भी बारिश होती है उससे पहले दावे किए जाते हैं नगर निगम और प्रशासन द्वारा कि हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं और सारे नारे नदी नाले साफ हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही पहली बारिश होती है तो तत्काल जो है जल जमाव हो जाता है, जल भराव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम है जो नगर निगम का वो पूरी तरह से फेल है। चिंता नहीं है नगर निगम? बिल्कुल चिंता नहीं है और आम आदमी को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आप ही बताइए कि ये जल भरा हुआ है आपके घरों में, आसपास के इलाकों में भी जो पानी रहता है, क्या स्थिति बनती है? देखिए शहर में बात करें पानी कहाँ नहीं है तो मुद्दा बनता है, हर जगह हर गली हर मोहल्ले में पानी भरा है, चाहे वो बसंत विहार हो या सेवानगर हो या लोहा मंडी हो या हजीरा हो, हर जगह पानी है। और तो और छोड़िए, मतलब ये जो खेल के मैदान है, जैसे अपन अभी फूलबाग मैदान पे है, लक्ष्मी बाई कॉलेज का जो MLB कॉलेज का ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, उसमें भी छतरी मैदान में भी जो ग्राउंड है, सब जगह पानी भरा हुआ है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, जो पुलिस या बाकी किसी की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग करते हैं, लंबी कूद और ये सब जो करते हैं वो नहीं हो पाते। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, अब देखिए ये पानी जमा हुआ है, इसमें काई आ गई है, इसमें डेंगू के मच्छर भी आए, और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में अपडेट भी देखते होंगे कि ग्वालियर में लगातार डेंगू के गरीब मरीज मिलते जा रहे हैं और संख्या भी बढ़ रही है, तो ये इससे डेंगू भी निकल के आता है। यानी कि तमाम समस्याएं हैं सुशील जो कि लगातार बनी हुई, और ये समस्याएं कम नहीं हो रही बल्कि ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और कैसे हालात ये साफ करने के लिए। घर समंदर बन गए हैं, मोहल्ले में बड़ी गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, घर स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। बस्तर में हुई झमझम बारिश ने निगम के ड्रेनेज सिस्टम की ऐसी तस्वीर दिखाई जो आपको भी हैरान कर देगी। घरों में घुसे पानी से सामान खराब हो गया, लोग घर में नहीं बल्कि बाहर खड़े हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं गए, ये हाल है जगदलपुर का। जगदलपुर नगर निगम के अधिकांश वार्ड पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, 2 घंटे की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के गांधीनगर वार्ड, गंगानगर वार्ड, दलपत सागर वार्ड, सनसिटी महारानी वार्ड सहित कई वार्डों में बारिश ने तांडव मचा रखा है, सुनिए लोगों का दर्द। इधर निगम आयुक्त जलमग्न हुए वार्डों का दौरा कर टीम को तैनात करने की बात कह रहा है। घुटना से ऊपर तक हमारे घर में पानी बह रहा है, वो देखिए हमारा टूल पंप दम से चल रहा है, पूरा अलमारी वगैरह सब हमारा डूब गया है। तो ये नाला बनना था? बनना था लेकिन नहीं बनने दिए। कौन दौरा नहीं करते? नहीं नहीं करते, आते हैं सिर्फ यहाँ खड़े होकर ऊपर में देख लेते हैं और चले जाते हैं बस, जब भी फोन जाता है। पूरा सामान नुकसान हो गया, पूरा खाना पीना नुकसान हो गया, सुबह आधा घंटा का पानी में पूरा पानी घर में भर गया, बच्चे को स्कूल नहीं जा पाए, हाँ पूरा नली का गंदा पानी पूरा घुस गया है, ऐसे में क्या घर भी भसड़ने का डर है ना पानी में। क्यों ऊंचा है? हम लोग इतना परेशानी है, हम लोग पूरा फ्रिज व्रिज मेरा हो गया, पूरा पलंग के नीचे पूरा, बच्चे लोग भी गाड़ी उड़ी में पूरा भर गया था। हाँ पूरा पानी घुस गया। कोई नहीं आया सर, क्योंकि नालियाँ साफ होती तो क्या यह पानी ऊपर और लोगों के घरों में घुसता? लगभग 20-30 वार्ड प्रभावित है और लोग घरों में घुसने के लायक भी नहीं है, सब लोग घर से बाहर है। साफ सफाई हुआ है, सभी जगह हुआ है, मोस्टली हमने 2-2 बार करवाया भी है, लेकिन जब बारिश होती है तो बह के पानी आते ही कचरे भी आते हैं बह के, जिसके कारण से कहीं ना कहीं चौक हो जाता है और इसको हम अभी लगातार हम निकासी भी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है निगम प्रशासन की तरफ से भी, और सीधे करेंगे श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास कैसे हालात हैं? नाला निर्माण के लिए राशि आई लेकिन उस राशि का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नाला बन जाता तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। जी बिल्कुल, बस्तर में जगदलपुर के जो हालात हैं आज काफी बिगड़े हुए हैं। सुबह के जो 2 घंटे की बारिश हुई थी वो काफी बारिश होने के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर के 48 वार्डों में ऐसे कई वार्ड है जो जलमग्न हो गए, गांधीनगर वार्ड, गंगानगर वार्ड, सन सिटी महारानी वार्ड सहित दलपत सागर जो वार्ड है ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अभी मैं मौजूद हूँ गंगानगर वार्ड में, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकती है, ये बड़ा नाला है और ये कुछ देर में जो पानी लगातार अनवरत गिर रहा है इसे भर जाएगा। नाला भरने के बाद जो यहाँ का जो गंदा पानी है ये घरों में घुस जाएगा। आज जो हुआ है इससे यहाँ के लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है, लोगों के सामान खराब हो गए, हमारे तक मौजूद है कुछ लोग, स्थानीय लोग इससे बात करते हैं। बारिश का कैसा रहा हालात, घर की क्या स्थिति थी? घर की स्थिति सर, मेरा नाम नीलम मानीपुरी है और सर जैसे बारिश होते हैं 10 मिनट में देखेंगे आप बहुमे से तक पानी आ जाता है, उसके चलते पीने के पानी में छोटे छोटे कीड़े आने लग जाते हैं, रोड का नली का गंदा पानी घर के अंदर जाते हैं, आंगन में जाते हैं तो जाते ही है, उसके साथ घर में भी जाते हैं, पूरा
चावल राशन पानी जो नीचे में रहते हैं सब, यानी कि गृहस्थी का जितना सामान है सब कुछ बर्बाद हो गया इस जल भराव की स्थिति बनते इस समय। श्रीनिवास आप लगातार अपनी बातचीत जारी रखिए, शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़।